साधारणतः शीत दिन जलवायु शुष्क रही थाए फल केश रुक्ष शुष्क केश तल फाटा एवं झड़वा भली समस्या देखा दे थाए। अधिकांश लोक शीत दिन में त्वचार जत्न किंतु केश प्रति ध्यान दिंती ना। शीत दिन त्वचा व्यतीत केश प्रति ध्यान देवा आवश्यकता रही। एही ऋतु रे गरम पानी व्यवहार करने द्वारा केशर शुष्कता बढ़ी जाए एवं दुर्बल हो जाए जहाद्वारा केश झड़ी थाए। एहासह एही ऋतु रे रूपी समस्या मध्यम देखा जाए थाए। केशर एही सब समस्या समाधान केवल शैम्पू किंबा कंडीशनर रे संभव हो न थाए। एथिपाई शीत दिने केशर प्राकृतिक जत्नर आवश्यकता रही। सेथिपाई केशर अखरोट तेल लगाइबा अत्यंत प्रभावशाली होइथाए कारण एही तेल रे विटामिन ए विटामिन डी ओमेगा 3 फैटी एंटीऑक्सीडेंट एवं मैग्नीशियम भरपूर मात्रा रे रही थाए जहाँ केश को पोषण दे थाए। केश मूल रे प्रतिदिन अखरोट तेल लगाइबा द्वारा केश दृढ़ एवं सुस्थ रही थाए। तेबे आसंतु जानिबा केश रे अखरोट तेल लगाइले आमर कौन लाभ होइथाए। अखरोट रे विटामिन एवं बायोटिक थाए जहाँ केशर वृद्धि करिथाए। एही तेल रे थिबा पोटासियम केश को मजबूत करिबा सह चमक मध्य आनी थाए। जदि आपणकर धळा केश अछि एवं एहा को कलर करंती तबे एही तेल व्यवहार करंतु। अखरोट तेल व्यवहार करिबा द्वारा केश रे लगाइथिबा कलर बेसी समय पर्यंत रही थाए। शीत दिने रूपी बहु कष्ट दे थाए। एहा केवल केश को दुर्बल करिनथाए बरं कुंडेइ मध्य होइथाए। एही समय रे एही तेल अत्यंत लाभदायक होइथाए। सप्ताह रे दुई थर अखरोट तेल लगाइले केश रे बहु पार्थक्य देखा दे थाए। शीत दिने केश झड़ीबा समस्या अधिक रही थाए। एही ऋतु रे केश शुष्क हो जाए जहाँ फल केश झड़ीबा समस्या बढ़ी जाए थाए। एपरी परिस्थिति रे अखरोट तेल बहु लाभदायक प्रमाणित होई कारण एही तेल रे ओमेगा 3 फैटी एसिड थाए जहाँ त्वचा को सुस्थ रखि थाए। एथिपाई राती रे तेल लगाई सकाळे धोई दियंतु। केश को घन एवं शक्तिशाली करिबा पई एही तेल लगाइबा उचित कारण अखरोट तेल केश को पोषण दे थाए एवं झड़ीबा को रोकि थाए। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।